हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास सिक्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी सोशल साइंस चैप्टर नंबर 21। चैप्टर नेम इज इन सिविक्स प्रेजुडाइज डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वलिटी। प्रेजुडाइज मीन्स है पक्षपात, डिस्क्रिमिनेशन मीन्स है पक्षपात करना, एंड इनइक्वलिटी मीन्स होता है असमानता। अब इन तीनों के बारे में हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। अब जैसे कि इसमें फर्स्ट टॉपिक में ये दिया है प्रेजुडाइज। प्रेजुडाइज मीन्स होता है बायस्ड एंड अनफेवरेबल ओपिनियन फॉर्म्ड अबाउट समथिंग और समवन विदाउट एग्जामिनेशन ऑफ फैक्ट्स इज कॉल्ड अ प्रेजुडाइज। प्रेजुडाइज मीन्स होता है जैसे कि पक्षपात करना, जैसे कुछ भी चीज़ किसी के बारे में मान लेना, जैसे किसी के बारे में कुछ भी बोल देना या फिर मान लेना कि वो पर्सन ऐसा है या उसकी ऐसी हैबिट है, चाहे वो सच हो या ना हो। मींस किसी भी फैक्ट के बिना, किसी भी तथ्य को प्रूफ किए बिना, किसी भी बात को प्रूफ किए बिना वो किसी पर्सन के बारे में या किसी चीज़ के बारे में कुछ भी पॉजिटिव या नेगेटिव बोल देना ही प्रेजुडाइज है। जैसे कि सपोज़ ये बोल देना कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं देश के, वो एक अच्छे पर्सन नहीं हैं, चाहे इस बात का कोई प्रूफ ना हो, पर ये खुद से बोल देना, ये एक प्रेजुडाइज मीन्स पक्षपात करना। या किसी कास्ट को लेके पक्षपात करना कि इस कास्ट के लोग इस टाइप के होते हैं, इसका कोई फैक्ट नहीं है ना ही कोई प्रूफ है, लेकिन एक तरीके से बात बना देना या किसी के बारे में कोई गलत इंटेंशन रखना या सोच बना लेना, उसको बोलते हैं प्रेजुडाइज। कॉजेज ऑफ प्रेजुडाइज, प्रेजुडाइज की वजह से क्या क्या, मतलब क्या क्या कारण है इसके, मतलब क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं। कॉजेज का प्रॉपर मीनिंग, जैसे कि कारण, जैसे कि इग्नोरेंस, फर्स्ट है इग्नोरेंस। जैसे मान लो कि लोअर कास्ट के लोग हों या कम माइनर कम्युनिटी के लोग हों, हम उनको इग्नोर करेंगे तो वो एक तरीके से प्रेजुडाइज हुआ कि जैसे कि आप इस जगह नहीं पढ़ सकते हैं या फिर आप ऐसे वर्क नहीं कर सकते हैं या बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस बना दें उनके लिए, तो एक तरीके से उनको इग्नोर करना हो गया कॉजेज ऑफ प्रेजुडाइज। लैक ऑफ सेंसिटिविटी में जैसे कि ये है कि बिना किसी सच के कि जो छोटे कास्ट के लोग होते हैं या माइनर कम्युनिटी के लोग होते हैं वो एक अच्छी स्टडी नहीं कर सकते, तो उसका कोई प्रूफ तो नहीं है, ना ही वो ट्रुथ है, मींस ना ही वो सच है, लेकिन एक मान लेना। अब यह सोशल बायस, यानी कि सोशल बायस जैसे कि कास्ट के बेस पे, जैसे हिंदू मुस्लिम के बेस पे कि नहीं यही कास्ट पर्टिकुलर ये वर्क कर सकती है, ये कास्ट ये वर्क नहीं कर सकती है, या रिलीजन्स के बेस पे कि धर्म के बेस पे कि इस धर्म के लोग ऊँचे होते हैं, इस धर्म के लोग ऊँचे नहीं होते हैं। ऐसे डिफरेंस बिटवीन द मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी, मैंने जैसे अभी बताया था मेजॉरिटी यानी कि जिस जाति में ज़्यादा लोग रहते हैं, ज़्यादा कम्युनिटी होती है, जैसे कि हिंदू है, हिंदू की कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है और मुस्लिम्स की कम्युनिटी कम है इंडिया में, तो उस बेस पे माइनॉरिटी और मेजॉरिटी, तो ये मान लेना कि जो माइनॉरिटी के लोग हैं वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं और मेजॉरिटी के लोग हैं वो सब कुछ कर सकते हैं। इस बात का कोई प्रूफ तो नहीं है, लेकिन ये सिर्फ एक धारणा बना लेना, मीन्स एक सोच बना लेना, उसको हम बोलते हैं प्रेजुडाइज, जो कि गलत भी हो सकती है और सही भी, पर उसका कोई प्रूफ नहीं होता है। अब इसके बाद में है इफ़ेक्ट्स ऑफ प्रेजुडाइज, इसकी वजह से क्या होता है, कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, मतलब लोग विरोध पैदा करने लगते हैं। जैसे मान लो हम एक लिमिट बना देते हैं कि इस मतलब जिसकी इनकम 10,000 तक है वो पर्सन का माइंड लेवल कम होता है, और जिसकी अर्निंग है 1,00,000 उसका माइंड लेवल ज़्यादा होता है, तो क्या हम पैसे के बेस पे मींस उसकी सैलरी के बेस पे उसका माइंड लेवल का कंपैरिजन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ना। तो उसके बेस पे किसी का माइंड लेवल कंपेयर करना और एक झूठी धारणा बना लेना, उससे उन लोगों में विरोध पैदा होता है, उसको बोलते हैं कन्फ्लिक्ट्स। नेक्स्ट है जैसे कि रेशियल इग्नोरेंस, यानी कि जातीय इग्नोरेंस, जैसे कि जातीय भेदभाव कि इस कास्ट के लोग ये वर्क करेंगे, इस कास्ट के लोग ये वर्क करेंगे। जैसे लोअर कास्ट के वर्क हैं, जैसे सपोज स्वीपर है तो वो झाड़ू ही लगा सकते हैं, वो नहीं पढ़ सकते हैं, ऐसे भेदभाव करना, तो ये सारी चीज़ें गलत होती हैं, जो कि है रेशियल इग्नोरेंस, जो कि प्रेजुडाइज में आते हैं। इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं, इफ़ेक्ट्स मीन्स इसकी वजह से क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब नेक्स्ट है डिसयूनिटी, जैसे कि एकता का ना होना, मीन्स
उससे लोगों में एक यूनिटी की भावना नहीं होगी। लोग ये सोचेंगे कि जब हम लोअर कास्ट के हैं या फिर हम ये वर्क नहीं कर सकते तो हम अपना कंट्रीब्यूशन क्यों दें या फिर हम और लोगों की हेल्प क्यों करें, तो इससे डिसयूनिटी पैदा होगी। अब रिटायर्ड ऑफ प्रोग्रेस, प्रोग्रेस यानी कि देश में जो तरक्की होनी चाहिए मीन्स और ज़्यादा एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए और ज़्यादा पढ़ाई को प्रमोट करना चाहिए, तो वो चीज़ों पर इफ़ेक्ट पड़ेगा, वो चीज़ें रिड्यूस होंगी। नेक्स्ट है स्टेप नेसेसरी टू रिड्यूस प्रेजुडाइस मीन्स सबसे पहले हमने पढ़ा प्रेजुडाइस। प्रेजुडाइस मीन्स क्या है? पक्षपात यानी कि भेदभाव करना किसी चीज़ में, किसी कास्ट को लेके, किसी कलर को लेके, किसी भी माइंड लेवल को लेके, किसी भी बेस पे भेदभाव करना प्रेजुडाइस कहलाता है। इसके बाद हमने पढ़ा कॉजेज ऑफ प्रेजुडाइस, इससे मतलब क्या क्या कारण हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या लोगों में होता है, इफ़ेक्ट्स क्या क्या पड़ते हैं। फिर हमने पढ़ा इफ़ेक्ट्स, इफ़ेक्ट्स में क्या कि इससे लोगों की फिर सोच क्या बन जाती है। अब इसके बाद है स्टेप नेसेसरी टू रिड्यूस प्रेजुडाइस, अगर हम इस चीज़ को कम नहीं करेंगे तो लोगों में जो इफ़ेक्ट्स हुए हैं जैसे विरोध की भावना या फिर उनको जातीय भेदभाव, मतलब वो लोग एक तरीके से आंदोलन करते हैं या फिर वो सोचते हैं कि उस वर्क में अपना कंट्रीब्यूशन नहीं करते हैं, उन सब चीज़ों को कम करने के लिए हमको ये स्टेप करने पड़ेंगे। जैसे लॉ बनाना पड़ेगा, लॉ में ये बनाना पड़ेगा कि सब कास्ट के लोग सारे वर्क कर सकते हैं, या फिर लोअर कास्ट से रिलेटेड कि इस कास्ट को भी इतनी परमिशन दी जाएगी। जैसे रिजर्वेशन है उसमें फ़िक्स होता है, गवर्नमेंट जॉब जो होती हैं उनमें फ़िक्स होता है कि इस कास्ट के इतने लोग लिए जाएंगे, इस टाइप से कुछ लॉ बनाना। नेक्स्ट है स्प्रेड एजुकेशन, स्प्रेड एजुकेशन मींस एजुकेशन को बढ़ाना, मींस जैसे कि ये है जो लोअर कास्ट के लोग हैं या जिनकी कम अर्निंग है या जिनके फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं हैं उन लोगों को भी पढ़ाई फ्री फैसिलिटी देना, जैसे कि फ्री स्टडी कराना, उनके लिए कॉलेज स्कूल ओपन करना, इस टाइप से। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज़ यूज़ द मीडिया टू क्रिएट, मतलब मीडिया जैसे कि टीवी वगैरह पे दिखाना, जैसे न्यूज़ चैनल्स हैं या फिर एडवर्टीज़मेंट है, इनके थ्रू उनको और प्रमोट करना कि वो लोग और अच्छे वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टेक्स स्पेशल स्टेप बैकवर्ड क्लासेस, जैसे कि मान लीजिए स्पेशल स्टेप क्या लेने चाहिए, उनके लिए और फैसिलिटीज़ बढ़ानी चाहिए, उनकी अर्निंग बढ़ानी चाहिए, उनको और सारी ऐसी चीज़ें प्रोवाइड कराना चाहिए जिससे कि वो अपना कंट्रीब्यूशन और ज़्यादा दें। ये सारा है इन स्टेप्स में, मींस ये सारे स्टेप्स इंपॉर्टेंट हैं, इससे जो हमारे प्रेजुडाइज है वो काफ़ी कम होगा और लोगों में कंट्रीब्यूशन और ज़्यादा बढ़ेगा। नेक्स्ट है स्टेरियोटाइप, स्टेरियोटाइप में क्या होता है? परंपरावादी, इसका मींस होता है, स्टेरियोटाइप का मींस होता है परंपरावादी। मींस जैसे कि मान लो कुछ लोगों की धारणा बनी होती है कि गर्ल्स जो हैं वो मैथ्स में वीक होती हैं, ठीक है, और जो बॉयज़ होते हैं वो कभी नहीं रोते हैं। अब चाहे कोई गर्ल्स मैथ की ही टीचर क्यों ना हो या मैथ्स में ही क्यों ना अच्छा पढ़ा दे, लेकिन एक धारणा होती है कि गर्ल्स की मैथ वीक होती है, जैसे कि इसमें ये पैरा में दिया हुआ है, गर्ल्स आर नॉट गुड एट मैथमेटिक्स और फिक्सिंग थिंग्स। तो ये मान लेना ये गलत है क्योंकि इसका कोई प्रूफ नहीं है, ना ही कोई फैक्ट्स है, ना ही कोई लॉ है, ना ही कोई मान्यता है, लेकिन ये सोच है लोगों की जो कि स्टार्टिंग से चले आ रही है। जैसे बॉयज़ डज नॉट क्राई मींस बॉयज़ नहीं रो सकते हैं, और बॉयज़ आर नॉटी एंड गर्ल्स आर जेंटल मींस बॉयज़ नॉटी होते हैं और गर्ल्स जेंटल होती है, मींस ऐसी परंपरा जो कि पहले से ही चली आ रही है कि स्टेरियोटाइप मींस होता है परंपरावादी या फिर रूढ़िवादी। जैसे कि मान लेना कि जो हायर कास्ट के लोग होते हैं वो उनका माइंड लेवल अच्छा होता है और जो लो कास्ट के लोग होते हैं उनका माइंड लेवल नहीं अच्छा होता है, तो ये एक परंपरा मान लेना ये गलत होता है। क्यों? क्योंकि सब में माइंड इक्वल होता है, बस ये है कि कौन कितना उसका यूज़ करता है उसके बेस पे होता है। जैसे मान लीजिए पीपल विद फिज़िकल डिसेबिलिटी, जैसे कुछ लोग ये मान लेते हैं जो कि डिसेबल पर्सन है मींस उनके किसी के हाथ नहीं है, पैर नहीं है, किसी भी फिज़िकली वो डिसेबल हैं या मेंटली डिसेबल हैं, वो वर्क नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, इवन वो और लोगों से बेटर वर्क करते हैं। जैसे कि सपोज़ ये है, इस पिक्चर में ये शो किया गया है, ये बॉय है जो डिसेबल है जिसके लेग्स में प्रॉब्लम है, मींस ये ऐसे नहीं चल सकता, और जो ये तीन बच्चे हैं ये इसका मजाक बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन लोगों की मेंटेलिटी ये है कि ये कुछ भी वर्क नहीं कर सकता, इनकी तरह नहीं चल सकता, इनकी तरह नहीं खेल सकता, तो ये एक परंपरावादी यानी कि स्टेरियोटाइप पर्सन हुए कि इनकी ये सोच पहले से ही बनी हुई है कि ये इन लोगों की तरह नहीं है और ये इनकी तरह एक्टिविटीज़ नहीं कर सकता, इसको बोलते हैं स्टेरियोटाइप।
आई होप आप सबको ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। मैं फिर से क्लियर कर देती हूँ। प्रिजुडाइज का मीन्स होता है पक्षपात, यानी कि भेदभाव, किसी भी जात, कलर, रंग, एजुकेशन, किसी भी चीज़ को लेके पक्षपात करना किसी भी कम्युनिटी में, किसी भी पर्सन में, वो होता है प्रिजुडाइज। और स्टेरियोटाइप मीन्स होता है परंपरावादी बने रहना, मीन्स पहले से ही ये सोच के रखना कि ये पर्सन ये काम नहीं कर सकता या ये चीज़ ऐसे नहीं हो सकती, मतलब अपनी ही मान्यता को माने रखना और जो नए फैक्ट्स हैं या नए चेंजेस हैं उनको ना एक्सेप्ट करना। चाहे जैसे कि मान लेना कि ये पर्सन जो है वो कुछ भी वर्क नहीं कर सकता, चाहे इसमें रियलिटी हो या ना हो या ये बिना फैक्ट्स पे हो, लेकिन ये चीज़ मान के रखना, ये सारा होता है स्टेरियोटाइप, मींस अपनी ही सोच बना के रखना और उसमें कोई भी चेंजेस एक्सेप्ट ना करना, वो होता है स्टेरियोटाइप। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।